अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आई होप यू विल बी फाइन। चलिए आज बच्चे हम रीडिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रहमदिली के। फर्स्ट जो आपका रीडिंग क्वेश्चन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो फर्स्ट रीडिंग क्वेश्चन का आंसर बनता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमदिली का एक आला नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मखलूक पर बहुत रहम फरमाते और किसी के साथ सख्ती ना फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात की खातिर कभी किसी से बदला ना लेते। ठीक है बच्चे, फर्स्ट आपका जो रीडिंग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर इतना बनता है। ठीक है, सेकेंड आपका जो रीडिंग क्वेश्चन है, रहमदिली के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान तहरीर करें। फ़र्स्ट आपका फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुनबा है, इसलिए अल्लाह ताला के नज़दीक वो शख्स बेहतरीन है जो इसके कुनबे के साथ एहसान करे। फर्स्ट आपका जो फरमान है यहाँ से लेकर इतना, सेकंड है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, यहाँ से लेकर इतना बनता। ठीक है, आपका जो थर्ड रीडिंग क्वेश्चन है, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रहमदिली के बारे में आप क्या जानते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। आपस में नहायत रहमदिल, शफीक और मेहरबान थे। हमेशा अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते थे। माली तौर पर मजबूत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गरीब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अपने माल से मदद करते थे। हिजरत मदीना के वक्त महाजरीन माली तौर पर कमज़ोर हालत में मदीना मुनव्वरा आए थे। अंसार सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने महाजर भाइयों की बेहद मदद की। इसी तरह गज़वात से वापसी पर मालदार सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हिस्से का माल गनीमत गरीब और कमज़ोर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे देते थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नेकी और रहमदिली अपनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। ठीक है, आपका जो फर्स्ट जो थर्ड रीडिंग क्वेश्चन है यहाँ से लेकर इतना उसका आंसर बनता है। लास्ट फोर रीडिंग क्वेश्चन फोर है, रहमदिली से किसकी कुर्बत हासिल होती है। यहाँ से जो इतना आंसर है, रहमदिली से अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल होती है। नीस वतनी अजीज़ में रहमदिली अपनाने का क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, रहमदिली अपनाने से हमारे वतन अजीज़ में अमन सुकून और इत्मीनान जैसी नेमत मैसर आ सकती है। ठीक है बच्चे, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना और लिखना।